कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपने गांव, क्योंकि दो दिन की छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे संडे की। तुम्हारे सोचा चलो गांव होके आती हूँ, कि छोटी बहन भी आ गई, वो भी बोल रही चलो दीदी गांव होके आते हैं। ठीक है चलो। तो हमारे यहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं फार्म हाउस पे, खेत पे ही रहते हैं। यहीं पर हमारे यहाँ पर अभी जो फसल है वो है उड़द है, मूँग तो शायद बही नहीं है, मक्का है, और इसी में है मूंगफली, कुछ मूंगफली है। बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि पता नहीं है, कोई भगवान भरोसे ही है फसल इस बार क्या होता है। ये हमारे यहाँ पे बुद्ध विहार बना हुआ है, मोटर चलाई हुई थी मैंने, वो भर गई है, टंकी तो बंद कर देती हूँ। मक्का बहुत अच्छी सी लग रही है, बहुत अच्छा सा दिख रहा है अभी। ये भिंडी पापा 800 रुपये किलो बीज लेके आए, और उसमें इतनी बड़ी हो गई, एक भी भिंडी नहीं आई अभी तक। रोज़ कितनी अच्छे प्यारे प्यारे से लग रहे, एकदम क्यूट क्यूट से। पानी तो खूब भर दिया है, अब बंद कर देती हूँ। भाभी बंद कर रहे। सारी जगह फसल फसल हो रखी है। भिंडी वही हुई थी, तो इसमें भिंडी में एक भी भिंडी नहीं हो रही। फिर इसको कुछ काट दिया है, अब देखते हैं इसमें से फल हो रहे हैं, भिंडी आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आएगी तो इसको भी उड़ा ही देंगे, इसे अच्छा जानवर ही खा लें, क्या मतलब 800 रुपये किलो बीज और इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और पपाया ट्री बहुत बड़ा सा हो गया है, तो मम्मी इसको सीढ़ी लगा के तोड़ती हैं। पेड़ पौधे भी अभी ऐसे हो रखे हैं आड़े टेढ़े से। टंकी भर गई है, मैंने कर दी मोटर बंद। ये हमारी गाय है, ये गाय का बछड़ा, ये बछड़ी है गाय की, इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी। कल इसने मुझे लात मार दी, सुसुआरी इसको। काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ घर पे, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। और बहुत दिन हो जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है चलो होके आते हैं घर पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।